स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट क्यूज। तो जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है उसमें लिखा है कि टोटल जो बच्चे हैं क्लास 10th में वो मैथमेटिकल क्यूज में 10 बच्चे भाग लेते हैं और उनमें से द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, तो नंबर ऑफ गर्ल से 4 ज्यादा हैं बॉयज। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज x मानना है, नंबर ऑफ गर्ल्स y मानना है। तो हमने यहाँ पे पहले मान के रखा है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हमने लिख लिया है लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यूज वाई, टोटल नंबर 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई 10 आता है, टोटल कर लिया। तो ये रोटेट किया इस साइड को लेके गया तो माइनस का हो गया, और दूसरा जो गर्ल्स थे उनसे मोर बॉयज थे तो ये रीअरेंज करके लिख लिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देन हम जो पहला इक्वेशन है वो ले रहे हैं। मैंने पुट की एक्स इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 10 आती है। अगर मैं x की वैल्यू 5 डालता हूं तो हमारे पास दिख रहा है हमें कि 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दैट इज y इक्वल्स टू 5। जस्ट टू टू वैल्यूज निकालने होते हैं एक टेबल के लिए, तो हमने टेबल बना लिया। तो ये x है, ये y, एक बार अगर x की वैल्यू 0 डालें तो 10 आता है, और दूसरी बार x की वैल्यू 5 डालें तो y की वैल्यू 5 आती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा सॉल्व होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है x इक्वल टू y माइनस 4, x इक्वल टू y माइनस 4। तो हमने जो x इक्वल टू y माइनस 4 है अब उसका आंसर निकालना है। अगर मैं एक बार y की वैल्यू 0 डालता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4, फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैंने क्या किया, अब y की वैल्यू 2 डाल दी तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2। सिंपल सी वैल्यू डाली हमने, टेबल बना लेते हैं, x y, x की वैल्यू माइनस 4 आई, y की वैल्यू कितना आया 0। दूसरी साइड अगर y की वैल्यू 2 आती है तो ये y, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 2। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ बना रहे हैं, हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। हमने जो x एक्सिस है ये वाला माना, y वाला ऊपर वाला, हमने जो सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए, इस साइड प्लस के, इस साइड माइनस के, ऊपर की साइड सारे प्लस, नीचे की साइड सारे के सारे माइनस के। हम अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले इस वाले कर लेते हैं, माइनस 4 और 0 आता है तो x की वैल्यू अगर माइनस 4 है तो इधर है, जीरो है तो यहाँ पे रहेगा, माइनस 4 एंड 0। दूसरा था माइनस 2, एक्स की वैल्यू माइनस 2 आती है, दूसरे की प्लस 2 आ रही है, तो एक्स इधर माइनस 2 और वाई की वैल्यू इधर प्लस की है, तो हमारे पास माइनस 2 एंड 2 आ गए। दो पॉइंट्स आ गए, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स के लिए। लाइन खींच ली हमने, इस जो पॉइंट आया उसकी इक्वेशन राइट कर ली एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4। अब जो नेक्स्ट रहता है वो 0 और 10 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वाई की वैल्यू 10, तो 0 और 10 राइट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है 5 5, अगर एक्स की वैल्यू 5 है वाई की भी 5 होगी, तो हमारा पॉइंट यहाँ बन गया 5 5। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब इक्वेशन क्या था राइट कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो हमारा क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व हो गया, ये ट्रायंगल की शेप में बना। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम वो कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है, हमारे पास क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन
टूगैदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन कॉस्ट टूगैदर कॉस्ट 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिखेंगे और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन लिखेंगे. तो अब हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट है. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेंसिल लिख देते हैं. पेंसिल की एक्स, पेन की वाई, कॉस्ट सारा. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50. एंड जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू आएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. दोबारा से हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बनाने के लिए यूज करेंगे 5x प्लस 7y 50. राइट किया यूजिंग वन. तो अब जो वैल्यूज रहते हैं, x क्या आ गई 50, ये इधर गया 7y 5 नीचे आ गया. अब मैंने एक बार y का वैल्यू 0 डाली, तो x इक्वल टू 50 ओवर 5 आया, दैट इज इक्वल टू 10. एंड एक बार मैंने जो वैल्यू है अगेन y की 5 डाली, तो x इक्वल टू 50, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, 35 ओवर 5, दैट इज 15 ओवर 5 3. तो हमारे पास वैल्यूज आ गए. अब हम टेबल बना रहे हैं, तो ये x रहता है, ये y. जब x की वैल्यू हमने वैल्यूज पुट कर दी है इसके, तो x की वैल्यू आएगी यहां पे 10 और y की वैल्यू आ रही है 0. अब यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 3 और y की आ रही है 5. तो हमारा जो फर्स्ट जो इक्वेशन था वो सॉल्व हो गया. हम साथ में यहीं पे ही दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46. मैंने इक्वेशन राइट कर ली. अब मैं जो इक्वेशन है उसका आंसर निकाल रहा हूँ. हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y ओवर 7, ये निकल गया. एक बार y की जो वैल्यू है वो हमने 0 डाली, तो जो x की वैल्यू आ गई 46 ओवर 7. तो 7 से काटा मैंने, तो 7 6 42 होता है, 42 के बाद बचा 4, 7 5 35, तो ये 6.5 आ गया. अब मैंने y की वैल्यू 5 डाल दी, तो y की वैल्यू जब 5 डालूंगा तो x 46 माइनस 25 ओवर 7, 21 ओवर 7, तो आंसर आया 3 आ गया. तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गया. अब मैं दोनों वैल्यूज के आंसर निकाल रहा हूं. आंसर के निकलने के बाद, आंसर निकालने के बाद हमने टेबल बनाया x y. अब x आया था 6.5, तो y 0 आता है. अगर y कितना डाला 5, तो x के लू 3. अब हम इसका टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के बाद हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. हमने इसका ग्राफ बना लिया है, तो हमने पॉइंट्स लिए साइड को x एक्सिस के, साइड को y एक्सिस के. तो जो हमारा पहला पॉइंट रहता था वो रहता है 10 3. तो हमने यहाँ पे 10 मेजर किया x के ऊपर, y आया 3, तो इसके सामने पॉइंट ले लिया. दूसरा पॉइंट रहता है 3 5, तो x की वैल्यू 3 थी, तो 3 यहाँ लेके गए और 5 यहाँ से आया, तो ये मीट यहीं होता है, तो 3 5 आ गया. दूसरा था 6.50, तो 6.5 इधर और 3 5 दोबारा से कॉमन. तो पहली लाइन ये ली है और दूसरी लाइन ये ली है. तो हमारे पास दोबारा से क्वेश्चन की डायग्राम बन जाती है. तो जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अभी हम राइट कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू. जो क्वेश्चन नंबर टू रहता है उसमें हमें बताना है
क्वेश्चन नंबर टू है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन अपॉन बी वन, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। तो हमें ये पॉइंट्स देने हैं और बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। हमारे पास रहता है क्वेश्चन 5x-4y+8=0, दूसरा रहता है 7x-6y-9=0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का, तो जनरल इक्वेशन होती है a1x b1 by c1 0। तो हमारे पास a1 की वैल्यू 5, b1 की -4, c1 की 8। वैसे दूसरी इक्वेशन की a2 की हमारे पास 7 आती है, b2 की हमारे पास 6 और c2 की आती है -9। तो जैसे a1 upon a2 राइट किया, 5/7 आया, और b1 upon b2 राइट किया, -4/6 एंड c1 upon c2 राइट किया, तो 8/-9 आ गया। तो हमने ये सारे के सारे वैल्यूज राइट कर लिए हैं, तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बराबर नहीं आ रहे। a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2, तो कोई भी वैल्यूज क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जस्ट रिप्रेजेंट करना है दोबारा से कि लाइन में क्या आ रहा है। तो हम जो ये टू क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आप लोग खुद करेंगे, चेक करेंगे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तीनों वैल्यूज बराबर आते हैं, जैसे कि a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, अगर ये तीनों बराबर आते हैं, ये तीनों बराबर आते हैं, तो जो आंसर रहेगा वो हमारा ये रहेगा, कॉन्सिडेंट। अगर तीनों में से कोई भी एक a1 upon a2 b1 upon b2 and equals to c1 upon c2, इनमें से लास्ट वाला बराबर नहीं आता, तो पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल अगर कोई भी बराबर नहीं होता हो तो इंटरसेक्टिंग, वो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।